अस्सलाम वालेकुम, मैं कुबरा खान। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गुड इवनिंग इन स्टार प्लेयर नाजरीन। यहाँ पर हमारा स्टार प्लेयर आता खाली हाथ है और ले जाता है 1 करोड़ रुपए तक की रकम। आज तक ऐसा हो नहीं पाया है, देखते हैं आज ये होगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बोल वाला कार्ड नहीं खरीदा है तो उसे खरीदिए, क्योंकि यही एक तरीका है आपका स्टार प्लेयर बनने का। अगरचे आपने वो कार्ड नहीं खरीदा, आप यहां कभी नहीं आ सकते। और कुरानदाजी के जरिए अगर आपने कार्ड खरीद भी लिया है तो कंप्यूटर के जरिए कुरानदाजी होती है, जिसमें एक नंबर निकलता है, एक नाम निकलता है, और वही शख्स यहां पर स्टार प्लेयर बनता है। इस प्रोसेस से गुजर के आज जो स्टार प्लेयर यहां मौजूद हैं, क्या वो 1 करोड़ रुपए ले जा सकते हैं या नहीं, ये जानने के लिए हमें उन्हें यहां बुलाना पड़ेगा। तो बहुत सारी तालियों में बुलाते हैं, वेलकम करते हैं आज के स्टार प्लेयर को, नवीद तोफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद तोफैल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। नवीद साहब अपने बारे में कुछ बताएं। सर किताब लिखी हुई है तो बता दें, हम खरीद के पढ़ लेंगे। क्योंकि आपने जैसे स्टार्ट किया ना, हमें लगा कोई बिल्डअप है। नहीं नहीं, थोड़ा सा बिल्डअप नहीं है, बस मार्केटिंग की फील्ड है मेरी। मार्केटिंग की फील्ड, इवेंट मैनेजमेंट एंड एक्टिवेशन से ताल्लुक है। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त, बेहतरीन। कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। 1 करोड़ रुपए यहाँ से जीत गए तो क्या करेंगे नासिर साहब? वही अपने बिजनेस में। नवीद साहब बिजनेस डेवलप उसी में लगाएंगे, अपने कारोबार में लगाएंगे। जबरदस्त। तो ये सिर्फ कराची की हद तक है या पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में आपके इवेंट होते रहते हैं। बेहतरीन, जबरदस्त। आज यहाँ पर आप किसके साथ आए, जरा हमें मिलवाएं। मेरे छोटे भाई हैं, दानिश भाई। अच्छा, दानिश जी, दानिश। उसके बाद में मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं सलमान साहब। अच्छा, सलमान भाई, क्या फैमिली बैठी हुई है। और लास्ट में जो है वो दानिश साहब की वाइफ। अच्छा, दानिश साहब की वाइफ है। मेरी बड़ी बेटी है, नहीं वाइफ मेरी गई हुई थी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी को लेकर आए आप? जी दोनों बेटियाँ आई हैं। दोनों बेटियाँ आई हुई हैं, माशाल्लाह से जबरदस्त, बेहतरीन। तो कैसी चल रही है जिंदगी? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रही है। कोई बताएं नई ताज़ी, ऐसी शो तो चलता रहेगा। कुछ लेटेस्ट बताएं। लेटेस्ट क्या बताएं, अभी वही फील्ड में एक्टिवेशन में, अभी इंटीरियर सीन में एक्टिविटीज चल रही है मेरी, तो उसको देख रहा हूँ मैं भी। अच्छा, आजकल बस यही काम चल रहा है? यही चल रहा है। बेहतरीन, जबरदस्त। तो आपने हमारा खेम शो कभी पहले देखा है? हाँ देखा। आपको पता है हम किस तरह से खेलते हैं, हमारा तरीकेकार क्या होता है? बस हमें काम का बंदा मिल गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके वजूद से हमारी कायनात में रंग है, सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करेंगे, वो है हमारी स्पेशल 26 लड़कियां। और अब नवेद साहब आप यहां तशरीफ ले आए। ये हमारा मुकाम, अगर कोई नहीं जीतता तो कहता है ये मुकाम इबरत है। इधर देखें सर, ये हमारा चार्ट है, यहां से आपने हमें बताना है कि हम कैसे खेलते हैं। क्यों भाई, ठीक है ना सलमान भाई? हाँ बताएं, स्टार्ट करना है। अरे माशाल्लाह बिल्डअप जबरदस्त है इनका। रिलैक्स होकर काम कर रहे हो। नागवार गुजरी है, वो वाला बिल्डअप है इनका। मुझे अपने लिए बॉक्स लेना। वेरी गुड, ओके। फिर उसके बाद वो है फर्स्ट राउंड में 6 बॉक्स ओपन होंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आप बताते रहिए। हाँ चलते रहे, चलते रहे, जितना याद है उतना चले। ठीक है, यानी कि जितना कम अमाउंट निकलवाऊंगा मेरे लिए बेनिफिट है। अरे वाह, आप तो जानते हैं कमाल। हाँ जाहिर सी बात है, आपने इतना रिपीट करवा दिया तो जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा, है ना? बार बार यही बताते लगातार रट्टा लगवा देते। एक्सचेंज करना हो तो कर सकते हैं ना? यस, ऑप्शन है ना हमारे पास। यस ठीक है, ठीक है। हाँ और बॉक्स लेना है मुझे भी? आपकी मर्जी है सर, वरना दूसरा कंटेस्टेंट खड़ा है उसे खिलवा देते। क्योंकि अगर आप बॉक्स नहीं लेंगे तो खेलेंगे कैसे? बॉक्स नंबर 14। बॉक्स नंबर 14? यस। क्यों ठीक है सर, आपकी मर्जी, आपके 1 करोड़ रुपए अभी मंगा देते हैं, आप अपनी जगह पर आ जाइए सर। थैंक यू। नंबर 14 बहुत सारी तालियों में तक पहुंचाइएगा इनके 1 करोड़ रुपए। ऐसी जैसे रैंडमली आपने चूज कर लिया? यस। क्या वजह है? 14 अगस्त, जैसे ये भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं चेक करना चाह रहा था पैट्रियोटिक है या नहीं है। 14 फेब तो निकल गई है। 14 फेब तो निकल गई सर। ओ हाँ, 14 फेब, गुड गुड गुड, फिर तो सही है ये। अच्छा, इसीलिए भाभी नहीं आई। यस।
रीजन ये था। अच्छा रीजन ये था कि शायद ये लकी हो तो अपनी वाइफ को इसी में गिफ्ट कर देते। हाँ वेरी गुड, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं मौजूद। अच्छा आप टूर पे होंगे इवेंट शिवेंट के लिए, ठीक है कोई मसला नहीं। गेम शुरू करें। यस पहले राउंड में 6 बैग्स खुलेंगे, ठीक है एक एक करके। पहला बैग खुलवाने के लिए तैयार है? बताइए। 5 नंबर 5 प्लीज ओपन इट। $10,000 वेरी गुड। अगला बैग 21 नंबर 21 प्लीज ओपन इट। क्या जा रहा है? 5,000 क्या बात है, बेहतरीन मेरे साथ आ गए आपको, आगे भी ऐसे ही रहे इंशाल्लाह। हाँ नजर उतरवा लेते हैं सलमान में, नजर उतार ले। 100 रुपए को ले, बिल्कुल 100 रुपए को ले, आए ले नजर उतार ले, नजर न लग जाए। आ जाए 3 बार घुमा लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छी बात है ना भाई, नजर ना लग जाए यार। तो ज्यादा से उतरवाते 500 से उतारे? नहीं 50 वाला सही है, 50 वाला सही है भाई, आपके दोस्त हैं आपको बेहतर जानते हैं, 50 से उतारे। वेरी गुड, लाए हमें दे दे, थैंक यू जी। इसमें हंसने की क्या बात है भाई, किसी को देंगे जी। तीसरा बैग 11 नंबर 11 प्लीज ओपन इट। 30 भाई नहीं चले, आपने सही नियत से नहीं दिया। नहीं नहीं भाई रख लें यार, अरे सर उतर गए। नहीं भाई आपने सही आप उतर गए। अरे भाई रखें सुने यार, अगले के 30 लाख निकाल दिए यार, 5,000-10,000 जा रहे थे क्या 50 के नोट रुपए, बड़े मनुष्य थे 50 रुपए, ज्यादा दे रहे थे मेरा नुकसान हो जाता। जब मैंने आपसे कहा था कि 500 तो हां 500 तो करवाना सही रहता। बहरहाल बताइए चौथा बैग कौन सा? 25 नंबर 25 प्लीज ओपन इट। 75,000 वेरी गुड। दो बैग्स रह गए हैं इस राउंड के, एक एक करके खुलवाएंगे, किसी से मशवरा लेना चाहें या खुद से खेलेंगे? दानिश ये भाई हैं आपके? जी भाई। हाँ 7 नंबर 7 प्लीज ओपन। 2,50,000 वेरी गुड। भाई क्या करते हैं आपके, आपके ही बिजनेस है? नहीं इनका दानिश खुद बताएंगे, खुद बताएंगे, बताएं दानिश साहब आप क्या करते हैं? रेस्टोरेंट के बिजनेस। रेस्टोरेंट है? अरे वाह माशाल्लाह, किधर भाई? बाद में बताइएगा ऑनर, आ जाएंगे ठीक है ना, डिस्काउंट मिलेगा पक्का ना, ऑनर रिकॉर्ड कर लिया। आप जाते रहते हैं? आप जाते रहते हैं? जाता रहता हूँ वहाँ पर। अच्छा कौन सा है बता दो यार, अच्छा अल हबीब पे? अल हबीब। अरे वेरी गुड, दोदरिया ब्रांच, दोदरिया। हाँ 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 बेहतरीन बेहतरीन, सही पहचाना आपने जी, अब डिस्काउंट मिलेगा। आखिरी बैग इस राउंड का 15 नंबर 15 नंबर 15 प्लीज ओपन इट। 20 लाख रुपए चले गए नबी साहब, कोई टेंशन नहीं? टेंशन क्यों नहीं है? नहीं टेंशन नहीं, बिजनेस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस उसके अलावा गिफ्ट लेना है ना भाभी के लिए वैलेंटाइन वाला, वो आ जाएगा, इतने पैसे इंशाल्लाह बचा लेंगे हम। आपको पता लेडीज इतने कम में मानती नहीं है ना। 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट? भाभी बड़ी डिमांडिंग है, 1 करोड़ का गिफ्ट। चले बहरहाल अभी 1 करोड़ बाकी है, हो सकता है आपके बैग में हो, 75 लाख भी बाकी है, हो सकता है आपके बैग में हो, 60 लाख भी बाकी है, वो भी हो सकता है यही हो, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा सी भी घबराहट हो रही है तो बैंकर की एक डील आपका इंतजार कर रही है, आप कहें तो आपके सामने वो डील ले आते हैं। हेलो नहीं उनको गिफ्ट खरीदना महंगा भाई, मेरा नहीं ख्याल मानेंगे, कोशिश कर लेता हूँ, लग नहीं रहा, चलें लेट मी ट्राई, थैंक यू। हाँ सर 28 लाख? नहीं सर। ना मैंने मना किया तो नहीं, आप पूछ के तो देखो। नहीं नहीं बंद कर दे डब्बा, अभी तो निकले ही। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं और अब इस राउंड में खुलेंगे पूरे 5 बैग्स, 2 बैग्स एक साथ, बताइए कौन से? 2 बैग एक साथ, नंबर 17 एंड 23 नंबर 17 एंड नंबर 23 यस
रकम बड़ी है किसी एक में? ज्यादा बड़ी नहीं है, खुलवा दो। ठीक है, ओपन इट। नंबर 17 एंड नंबर 23, पहले देखते हैं नंबर 23 में क्या है। नंबर 23 प्लीज ओपन इट। 6 लाख, वेरी गुड। नंबर 17 प्लीज ओपन इट। 35 लाख रुपए। वो पता था ना मुझे, गिफ्ट आना नहीं है इसलिए मैंने कहा ज्यादा बड़ी नहीं है, खुलवा दे। एवरेज बना ली थी मैंने। अब इस राउंड में 3 बैग्स रह गए हैं। अगर आपको लग रहा है आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, सही से गैस नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली से पूछें, वो बताएंगे, हेल्प करेंगे आपकी। क्या कहते हैं, खेलें गेम? खेलें नहीं, वो तो खेल ही रहे हैं। आप क्या हैं या ना कहें, हम खेल रहे हैं भाई। आपने 50 रुपए से नजर उतारी, हमें पता चल गया आपकी दोस्ती कितनी गहरी है, आप रहने दें। बकरा काट देंगे सर, बकरा। पैसे निकालते हैं आप, 5000 रुपए दे दें हमें, हम कटवा लेंगे। क्यों भाई, ठीक है ना, आप पैसे दें सलमान भाई, हम मंगा लेंगे बकरा यहीं। अभी हालात सही नहीं, अभी लेकर जाएंगे सर। ना, अब देखा। ये आप, अब आप इनसे बैग भी पूछेंगे? ये मेरे साथ आसरे पे हैं। आसरे पे हैं ये आपके साथ? ओके, दोनों मिलकर बिजनेस। आप क्या करते हैं सलमान साहब? छोटा बिजनेस है सर। छोटा बिजनेस है जी सर। कितना छोटा है? बस थोड़ा सा है सर। मतलब कितना है, 350-400 रुपए का? नहीं सर, इससे थोड़ा सा। बिजनेस कोई भाई देखें, धंधा कोई भी छोटा है बड़ा नहीं होता, ऐसा रईस की अम्मी ने कहा था। बिल्कुल, और हमने ये बात अभी अपने जहन से बांध ली है। तो आप ये ना कहें छोटा बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है माशाल्लाह। किस चीज का कारोबार है आपका सलमान? सर जनरल स्टोर है सर। जनरल स्टोर है जी सर। अरे वाह जबरदस्त। यानी ये आपको पता है, ये जनरल स्टोर जो है ये हर बंदे की जरूरत है, हर बंदा। आप भी जाते हैं, मैं भी, हर शख्स वहां पर जाता है। इनके जनरल स्टोर नहीं जाते हम, ये और बात है। लेकिन जनरल स्टोर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यस। और ये कह रहे हैं छोटा, अभी स्टार्ट लिया है। अच्छा, अभी स्टार्ट लिया, चलें कोई बात नहीं। 1 करोड़ रुपए जीत गए तो शायद इन्वेस्ट भी कर दें। बिल्कुल। हाँ। तो बताइए, हेल्प कीजिए इनकी। कौन सा बैग खुलवाएंगे? 4 मेरे ख्याल से। इनका ख्याल है 4। आपके और इनके ख्यालात मिलते हैं? वजह 4 की? 4 की वजह बताओ। अच्छा वजह भी? अल्लाह। एक तो उन्होंने बैग चूज कर दिया, 50 रुपए की नजर उतारी ना। वजह भी बताए। छोटा नंबर है शायद, छोटा अमाउंट हो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सर, 4 नंबर 1 में सबसे छोटा, उसमें 1 करोड़ रुपए भी निकले एक बार। बिल्कुल। हाँ, 4 खुलवा दो। यस, नंबर 4 प्लीज ओपन। 25,000, क्या बात है सलमान भाई। देख, बेहतरीन, पता चल गया 25,000 कहाँ पर है। बेहतरीन आदमी, बेहतरीन आदमी। 2 बैग्स और रह गए इस राउंड के, वही पूछ ले। नहीं सर, पूछे एक मेरी बेटी से पूछना। बेटी से पूछे भाई। बेटा बताओ। नंबर 8। क्यों? मेरा लकी नंबर है। और कोई नंबर बताओ ऐसे ही। लकी नंबर है कोई ऐसे ही? 12। नंबर 8 और नंबर 12, ये आपने बताया। 8 मेरे ख्याल में सही रहेगा। यस, है ना, लकी नंबर है बच्ची का। ठीक है, नंबर 8 प्लीज ओपन इट। 10 लाख रुपए चलेंगे, कोई बात। वेरी गुड, नॉट बैड। अभी 1 करोड़ भी बाकी है, 75 लाख भी बाकी है, बड़ा अमाउंट बाकी है। चला गया, कोई बात नहीं। अभी 1 बैग रह गया, वो आप खुद बताएंगे। नंबर 13। यस, 13 नंबर तो मनुष्य नंबर होता है। काफी लोग कहते हैं, मैं किसी नंबर को कभी इत्तेफाक। सायरन बज चुका है रेस्क्यू स्टार प्लेयर के लिए। यहाँ पर पाकिस्तान स्टार की इन सेलिब्रिटीज में से कोई एक मौजूद हैं। गैस करना चाहेंगे कौन है? आई थिंक मथीरा। क्या बात है, आपकी ख्वाहिश पूरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर द ब्यूटीफुल फातिमा। कैसी हैं फातिमा? अस्सलाम वालेकुम। कैरियर से हैं? ठीक ठाक। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। आज माशाल्लाह से आपने जबरदस्त कोट पहना, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड लग रही हैं। नहीं, मतलब वो नहीं, शुक्रिया, अच्छी बात है। नवेद साहब हमारे साथ खेल रहे हैं यहाँ पर गेम, बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। अच्छे खासे पैसे इन्होंने बचा रखे हैं, 1 करोड़ 70 लाख 60 लाख सारे अमाउंट इनके पास मौजूद हैं। अच्छा जी, अभी आपके आने से पहले एक नंबर इन्होंने चूज किया था, नंबर 13। लेकिन उससे पहले इन्होंने गेस किया था कि आज शायद यहाँ पर मथीरा आएंगी। आपने ये गेस क्यों किया था बताइए? मथीरा आपकी फेवरेट एक्टर होस्ट होंगी, देखा है मैंने उन्हें काफी प्रोग्राम्स में, तो सही अच्छी लगती है। अच्छा, माशाल्लाह। और
उनके गाने वगैरह भी और कुछ नहीं, नहीं मतलब ऐसे ही वो उनका अपना भाई बड़ा जबरदस्त डायलॉग है। मदीरा हमारे साथ काफी अच्छे से हैं यहाँ पर, तो उनका एक अपना ही डायलॉग है और तो इस वजह से मैंने पूछ लिया। बहरहाल तेरा नंबर, यस नंबर 13 प्लीज ओपन इट। तोला, वेरी गुड। यानी अब इस राउंड के पांचों बैग्स हो चुके हैं, हम चार्ट लगाते हैं और एक बार चार्ट पर देखते हैं कि कितना नुकसान हो चुका है। नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 40, 50, 60, 75, 1 करोड़ सारे अमाउंट्स अभी तक मौजूद हैं। 25 लाख भी हैं, 7.5 लाख भी हैं। तो अब एक टेंशन है बस, क्या कि हो सकता है आप अगर डील नहीं करते बैंकर की ऑफर पे, तो अगले जो राउंड में बैग्स खुलेंगे उनमें बड़े अमाउंट्स निकल सकते हैं, क्योंकि बड़े अमाउंट्स ही बाकी हैं। छोटे अमाउंट्स भी हैं, कम है, छोटे अमाउंट भी हैं, हैं काफी हैं। 500 है, 1000 है, हाँ 20,000, क्या पता आपके नंबर 14 में ही है, इनमें से कोई एक अमाउंट ना हो। ठीक है, बैंकर की ऑफर लेते फिर देखते हैं कि आपका क्या इरादा है। हेलो, नहीं मानेंगे ना वो भाई, मैं मना तो कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से क्या कह सकता हूँ। उन्होंने आपको बताया तो भाई भाभी के लिए गिफ्ट खरीदना है, वो महंगा गिफ्ट लेना है। नहीं नहीं, बिजनेस तो चल रहा है माशाल्लाह, चलता जबरदस्त, भाई का भी चल रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, लोन क्यों लेंगे, ओके सब मान नहीं रहे बैंकर, लेकिन मजबूरी है मेरी। 32 लाख बोला था मैंने उसको, 4 लाख ही बड़ा है, मैं बोला था मैंने उसको, मैं नहीं मानेंगे भाई 32 लाख पे। पूछने घर वाले से पूछ, दानिश भाई से पूछ, दानिश भाई कितने किलो मटन कढ़ाई आती है 32 लाख रुपए में, आपका रेस्टोरेंट है ना, आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ। माइक में रेस्टोरेंट नहीं है, मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं वहाँ पर, तो एक आइडिया तो बताए ना। थोड़ा पहले शाम से इनके रेस्टोरेंट में जाएंगे और खूब मजा उड़ाएंगे। बताइए क्या इरादा है, 32 लाख डील और नो डील? बंद कर दीजिए अगर ये नो डील है तो। कंटिन्यू करेंगे, नो डील। इस राउंड में खुलेंगे नवेद साहब चार बैग, दो बैग्स आपने एक साथ बताने हैं, कौन से? फातिमा नहीं बताएंगी, फातिमा अगले दो बैग्स में बताएंगी। ओके, नंबर 2 एंड 9। 2 एंड 9, यस 2 और 9। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 4। अच्छा, 2 ही आ रहा है सब में। 2 और 9 में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है, चेंज करना चाहेंगे? 2 और 9 में से, यस नंबर 2 को चेंज कर दूं। ठीक है, क्या रखें? नंबर 16। नंबर 16, 16 और 9 लॉक? लॉक। लॉक कर दूं? यस लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, लॉक। सलमान साहब आपको क्या लगता है, 9 और 16 सही है या 9 और 2 सही था? मैंने एमए एक ब्लफ किया, 9 और 16 सही है मेरा, 9 और 16 सही है। ठीक ठीक है जी, दानिश साहब आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है साहब, अभी तक आपको ऐसा ही लग रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, चलें ठीक है। नंबर 9 खुलवा लें फिर पहले। फातिमा आपको क्या लग रहा है, 9 और 16? मुझे 9 ठीक नहीं लग रहा। 9 ठीक नहीं लग रहा आपको, तो 16 खुलवा लेते हैं पहले। मुझे दोनों में ठीक नहीं लग रहा। आपको दोनों ही ठीक नहीं लग रहे, फिर दोनों आप बता दें कौन से खुला भाई। दोनों ही ठीक नहीं, चलें फिर आप अपने दो बैग बता दें, इनके दो बैग हम बाद में खुलवा रहे हैं भाई। 9 और 16 इन्होंने बता दिया ना, हाँ। इससे पहले आप अपने दो बैग्स बता दें। ठीक है, मैं बता देता हूं। ठीक है ना नवीसा? यस, हम तो आपकी तरफ से खेल रहे हैं। ठीक नहीं लग रहा है, आपने बताओ। मुझे लग रहा है 1 और 2 में कम अमाउंट होगा। 1 और 2 में आपको लग रहा है कम अमाउंट है, दोनों बैग्स खुलवाने पड़ेंगे, खुलवा दें। खुलवा दें। नंबर 1 प्लीज ओपन इट। 20,000, क्या बात है। नंबर 16 प्लीज ओपन इट। 1 करोड़ रुपए चले गए, आपने 2 को चेंज करके नंबर 16 चूज किया था जिसमें थे 1 करोड़ रुपए। बुरी खबर अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा था 2 और 9 में से किसी एक बैग में बड़ा अमाउंट है। आपने 2 चेंज किया, 16 खुलवाया, लेकिन फातिमा ने 2 ही सिलेक्ट किया है, यानी
टू में कम अमाउंट है और नौ नंबर जो कि हमने पहले से लॉक किया हुआ है उसमें भी कोई बड़ा अमाउंट मौजूद है। मैंने आपको दूसरे राउंड के एंड पे बताया था कि अब बड़े अमाउंट्स निकल सकते हैं क्योंकि बराबरी का मुकाबला है। तो बहरहाल देखते हैं नंबर टू में क्या है। नंबर टू प्लीज ओपन इट। 5 लाख, वेरी गुड। अब रह गया है नंबर नौ। मैं ये चाह रहा हूं कि नंबर नौ हम इस राउंड में ना खोलें, उसे मैं अगले राउंड में खुलवाऊं। उससे पहले आप मुझे कोई और एक बैग बता दें। नंबर 10। नंबर 10। कौन बता रहे? दानिश नंबर 10 नहीं बता रहे? माइक आगे कर दो, माइक खोले क्यों खड़े हो भाई? है भाई शुगल, एक साथ दोनों बैगों में तो होगा नहीं बड़ा अमाउंट। आपको क्या लग रहा है? नंबर 10। नंबर 10। 10 ठीक है, 10 खुलवा देते हैं। आप बताएं, फाइनल है? श्योर है? खुलवा देते हैं। फातिमा नहीं बताएंगे? फातिमा ने अपने दो बैग्स बता दिए। ठीक है, मैंने बता दिया। नंबर 10। यस नंबर 10 प्लीज ओपन इट। 25 लाख रुपए भी चले गए। चार्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या गया है। नंबर 9 अभी तक लॉक है, जब मेरा दिल करेगा तब खुलवाऊंगा। ठीक है जी, 40, 50, 60 और 75 लाख जैसे तीन बैग्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन 500, 1000 जैसे बैग्स भी हैं। तो प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, 9 नंबर में हो सकता है 500 रुपए और मैंने ऐसे ही यूं ही ब्लफ करते हुए उसे रुकवाया हो सकता है उसमें कोई बड़ा अमाउंट हो, जो कि 40, 50, 60, 75 में से कोई एक भी हो सकता है। तो अब बैंकर की हम ऑफर लेंगे क्योंकि ये राउंड खत्म हो गया है। मैं चाहूंगा इस ऑफर को आप सीरियसली कंसिडर करिएगा। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। हेलो, ओके। 1 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट का नुकसान होने के बावजूद आपकी ऑफर बढ़ गई है। 36 लाख, 36 लाख रुपए लें, 3.6 मिलियन और जाएं। 36 लाख, आपको ये बैग चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है, किसे करेंगे? 15 से कर लें, लेकिन अभी डील करेंगे 36 लाख में या नहीं? नहीं करेंगे, नहीं डील नहीं करेंगे। क्यों? फॉर्च्यून। आ जाओ बेटा, पापा के पास आना है। आ जाओ, कोई बात नहीं। बच्ची बोल रही है, इधर बैठ जाओ आराम से, है ना? पापा के पास बैठो थोड़ी देर, पापा को आपका मशवरा भी चाहिए। 36 लाख रुपीस पापा को मिल रहे हैं, पापा को लेने चाहिए या नहीं? है ना, इनसे पूछते हैं, लेने चाहिए? लेने चाहिए, लेने चाहिए भाई। नवी साहब, बच्ची ने कहा है लेने चाहिए, क्या कर रहे हैं आप? इसे अभी पता नहीं है ना, इसे अभी पता नहीं है। बच्चों को ही तो पता होता है। हाँ, आपको आपको जिन्नात या कोई गैर मखलूक नजर आती है? नहीं, कहते हैं बच्चों को आती है। बच्चों को ज्यादा पता होता है। ऐसे तो जानवरों को भी नजर आती है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी पता है। क्या मतलब? मतलब ऐसे ही बताएं, चेंज करो? नहीं, डील करेंगे या नहीं पहले तो ये बताएं। नो डील, बंद कीजिए डब्बा। कौन से नंबर से चेंज करना चाहेंगे? 15। नंबर 15, ओके। नंबर 14 जा रहा है और 15 आ रहा है। नंबर 15 या है, नंबर 15 खुल चुका है भाई। जाओगे? एग्जैक्टली किधर हो भाई? तो 14 ही सही है। 14 ही सही है? तो यार कैसा आदमी है यार, तो भरोसा नहीं करें। दानिश यहीं बैठे हो, क्या हो गया भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम? मैं तो मजाक में कह रहा था कि यहाँ पे असर है, तुमने सीरियसली समझ लिया? यहीं हो, 14 ही सही है। 14 ही सही है? अगले के 1 करोड़ रुपए लगे हुए, तुम खेल रहे हो जज्बात से। 1 करोड़ तो गए, अब तो 75। हाँ, 1 करोड़ चले गए, 75 लाख लगे हुए। खैर, नो डील हो चुका है, आप बैग चेंज नहीं करना चाह रहे। इस राउंड में तीन बैग्स खुलेंगे, तीनों बैग्स आप बताएंगे। अगर तो रेस्क्यू के लिए इनको बुलाया तो उनकी भी तो हेल्प लेना। ली ना, दो बैग्स खुलवाए ना बस। 1 करोड़ रुपए निकालने के बाद दो बैग्स खुलवा दी। चले, एक बैग फातिमा आप बता दें, दो आप बताए। ठीक है ना बेटा, क्या नाम है आपका? इशाल। ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। इशाल मोगल। नवेद भाई 11 से शायद चेंज कर लें। 11 भी खुल चुका है भाई। किधर हैं आप लोग भाई, किधर हैं? हेलो, नॉक नॉक, हूज देयर? किधर? वहां कोई धोनी वोनी तो नहीं? धोनी नहीं, धोनी नजर आ रहा है, तो सलमान भाई धोनी जैसे नजर आ रहा है। इनकी हेल्प ले रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। क्या हो गया भाई? आप सर एक दफा पूरी लिस्ट दिखा, खुद हेल्पलेस बैठे हुए हैं।
आप इधर आए, इधर आके नंबर देख लें खुद, आ जाए यहाँ नंबर, इधर देखें, ये नंबर है भाई, और जो नंबर आप बता रहे हैं वो है ही नहीं। अच्छा, वो देखे बगैर बोल रहे थे, उसका लगा रहे ना, उनके दिल में आ रहा था ये नंबर होना चाहिए, वो भूल गए खुद ही, उसमें 20 लाख रुपए निकलवा चुके हैं वो। 26 पक्का भाई, खेल रहे हैं आपके जज्बात के साथ, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आसार लग रहा है। हां, नंबर 6, वो कह रहे हैं 26 से एक्सचेंज करें, करें ना, इतने एक्सचेंज का कहा है ना आपने, बचाएं सर बचाएं, हां 26 कह रहे हैं, 26 से एक्सचेंज करें, क्या करें, चले ऐसा करते हैं, 3 बैच खुलवा लेते हैं इस राउंड के, अगर से राउंड अच्छा गुजरे फिर सोच लीजिएगा, ठीक है ना, एक्सचेंज तो कभी भी हो जाएगा जब आपका दिल करे, 26 को ना खुलवाएं। हम लोग जरा बाहर से बैठ कर अच्छा देख रहे हैं, वो बेचारा है, जरा बाहर से बैठ कर हम लोग जरा थोड़ा सा, आपको कुछ लगा हुआ नहीं है ना, 50 रुपए लगे हुए थे वो भी वापस मिल गए, बिल्कुल अगले के 1 करोड़ रुपए लगे हुए थे, अब 75 लाख लगे हुए हैं जी। नंबर सिक्स हो गया, दूसरा बैग, नंबर 19, फातिमा आपका बैग 18 था, 18 ठीक है, ठीक है, ओके लॉक कर दूं, लॉक, नंबर 18 प्लीज ओपन इट, नंबर 18 में चले गए 1 लाख, वेरी गुड, थैंक यू फातिमा। अब रह गए हमारे पास 2 बैग्स, जिसमें एक है 6 और दूसरा कौन सा बताया आपने, 19 यस 19, तो नंबर 19 पहले खुलवाते हैं, नंबर 19 प्लीज ओपन इट, 4 लाख, वेरी गुड। अब नंबर 9 जो कि पहले से लॉक हुआ हुआ है और आपने बताया नंबर 6, तो कौन सा खुलवाऊं मैं फातिमा बताइएगा, 9 पहले से लॉक है, मेरा दिल कर रहा है कि 9 नंबर खुलवा दूं, नहीं मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा अमाउंट है, आपको लग रहा है इसमें ज्यादा अमाउंट है, ईशाल कौन सा नंबर खुलवा, ईशाल से पूछते हैं, है ना ईशाल, 9 या 6, नंबर 6 प्लीज ओपन इट, ईशाल ने कहा 6 और 6 में जा रहे हैं 50,000, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी गुड, आप ईशाल आप वहां पे जाके बैठो वापस आराम से खेल ले, ठीक है, थैंक यू। अब सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास जो बड़े अमाउंट्स मौजूद हैं वो जूं के तू हैं, 40, 50, 60 और 75, 7,50,000, 500,000 और 3 लाख जैसे छोटे अमाउंट्स अभी भी बाकी हैं, इन्हें निकलवाना है जिसमें आप अभी तक कामयाब नहीं हो सके, 9 नंबर ऑलरेडी लॉक पड़ा है, क्या पता उसमें 500 हो, क्या पता उसमें 50, 60, 75 में से कोई एक अमाउंट हो, नो चेंज हो सकता, 9 बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, वो लॉक रहेगा, ओके जब हमें खुलवाना होगा हम खुलवा देंगे, ठीक है। अब बैंकर की ऑफर लेते हैं, देखते हैं आपका क्या इरादा है। हेलो, ओके 36 लाख आपको ऑफर दी गई थी, अब आपकी ऑफर बढ़कर हो गई है 37,25,000, वेरी नाइस, नहीं नहीं 36 से 1 लाख ही तो बड़ा, बंद कर दो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी, सो नो डील, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वेलकम बैक इन स्टार प्लेयर, और ब्रेक पे जाने से पहले नवे साहब ने एक डील नो डील में कन्वर्ट कर दी जो कि थी 37,25,000 की, फातिमा आपको क्या लगता है सही क्या, बहुत अच्छी डील थी, नहीं नहीं बहुत अच्छी डील थी, ले लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, तो अब 2 बैग्स जो हैं वो नवे साहब खुलवाएंगे, बताइए कौन से, अभी उनको लग रहा है 75 लाख, 75 है 60 है 50 है 50 है 50, 2 बैग्स बताइए, 500,000, 3 लाख ऐसे कोई अमाउंट निकलवाए, मजा भी आए, 20 and 26 मशवरा घर वालों से ले मशवरा, 3 खोलें क्योंकि जितने छोटे नंबर है उसमें छोटे इनाम हाथ निकल लें, मेरे ख्याल से 3 सबसे बेस्ट, 9 लॉक हुआ है, ठीक है, छोटे नंबरों में सिर्फ 3 है,
ये तुक्का है, ये तो तुक्का लग रहा है मुझे। नहीं, थ्री में जितने हैं ना यार, आपने पहले ही मरवा दिया। जितना अमाउंट निकला है, स्मॉल अमाउंट निकला है, वो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। आप ये कह रहे हैं कि छोटे जितने भी बैग्स हैं उनमें कम अमाउंट निकला है अभी तक? जी। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे बैग में बड़ा अमाउंट निकल जाए, बाद में बड़ा भी तो खुलवाना होगा। हाँ, तो बताइए कौन से बैग्स खुलेंगे, 26 और 20 और 26? लॉक। ओके, नंबर 20 प्लीज ओपन इट। और अब आपके पास यहाँ से कितने परसेंट चांसेस हैं? आप कितना परसेंट लगता है कि आप यहाँ से ले जाएंगे 75 लाख? 90% लगता है आपको आप 75 लाख ले जाएंगे? आप लोगों को भी ऐसे लगता है? दानिश बिल्कुल, और सलमान भाई? इंशाल्लाह लेकर जाएंगे सर, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। आपके बैग में 75 लाख रुपए नहीं है, जैसा आपका मानना है। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैंने रखे। अच्छा, आपके बैग में 75 लाख नहीं है। अगर आप एक्सचेंज करना चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 75 लाख ले जाने हैं तो 75 लाख वहां रखे बैग में से किसी एक बैग में है। बहुत बड़ा हिंट है ये तो। उससे पहले आपको मैं दूंगा बैंकर की एक डील, ताकि आपको लगे कि 75 लाख रुपए की जगह कोई और अमाउंट भी मौजूद है। हेलो। ओके, अब जैसा कि आपने भी ये जान लिया और बैंकर को भी ये पता चल गया है कि आपके बैग में 75 लाख नहीं है, तो बैंकर कह रहा है फिर इन्हें देते हैं 38 लाख रुपए, 38 लाख रुपीज लीजिए और जाइए घर। डील तो थोड़ी बड़ा है, 38 लाख, 38 लाख आपके पास 75 लाख भी नहीं है भाई, 60 लाख हो सकते हैं, 38 लाख, 50 लाख हो सकते हैं आपके पास, फिर भी 38 लाख। 22 खुलवा दें। 22 खुलवा लें तो 38 लाख रुपए की जो डील है उसके क्या करें? वो डील नहीं, कैंसिल, बंद कर दीजिए डब्बा। नंबर 9 प्लीज ओपन इट। अब मेरा डब्बा खुलेगा, 75 लाख रुपए चले गए, 75 लाख रुपए चले गए। बड़ी देर तक लॉक हुआ था ना ये तो, वैसे भी एक्सचेंज तो नहीं हो सकता था ना? ये नहीं हो सकता था, लेकिन आपके पास 75 लाख रुपए नहीं है ये कह देना काफी नहीं है क्या? 38 लाख रुपए आपको दिलाने के लिए क्या मेरा ये कह देना काफी नहीं था कि आपके पास 75 लाख नहीं है? क्यों सलमान साहब? सन्नाटे में डाल दिया सर आप लोग, सन्नाटे में डाल दिया ना। जी, अब 75 लाख जा चुके हैं, एक बैग आप बता दीजिए कौन सा खुलवाना चाहेंगे। एक्सचेंज का मौका अभी भी आपके पास है, करना है? नो। ओके, बैग नंबर 12, नंबर 12, नंबर 12 प्लीज ओपन इट। पचास लाख सॉरी चले गए, 75 लाख के बाद 50 लाख भी चले गए, 500 हैं, 50 लाख नहीं है, 75 लाख नहीं है। हो, अब क्या है आपके बैग में? 60 लाख हो भी सकता है, चार्ट लगाएं भाई जरा, 500 हजार, 7 लाख, 50 हजार और 60 लाख जैसे अमाउंट अभी तक बाकी हैं। चार में से किसी एक बैग में 60 लाख हैं, यानी 25% चांस है आपके पास 60 लाख होने का, 75% आपके पास 60 लाख नहीं हो सकते। इससे बुरी कुछ नहीं होगी अगर 500 हजार बचा तो बैग एक्सचेंज कर लें, बैग बैग वही रहेगा, वही रहेगा। डील का पता करते हैं कि अब क्या चल रहा है माहौल बैंकर के जहन में, शायद अच्छी खासी नीचे आई होगी। हाँ, अच्छी खासी। हेलो। ओके, 21 लाख 50 हजार। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास 60 लाख रुपए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, नहीं होते तो आपके पास 7 लाख 50 हजार हो सकते हैं, या 1000 या 500 रुपए। इसके मुताबिक आपके पास जो डील इस वक्त आई है वो लगभग 40-45% की है, अगर देखा जाए तो 60 लाख के मुकाबले में 30-33% है, 21 लाख 50 हजार। क्या करेंगे? नो डील।
आपकी मर्जी, मशवरा करना चाहे तो कर लें, एक बार डब्बा बंद हो गया तो फिर नो डील है। एक बार पूछ लें आप। मेरे ख्याल से डील पे सोचे थोड़ा सा। सोचें भी, थोड़ा सा सोचें। वो भी हालात थोड़े बुरे जा रहे हैं। आपने याद दिलाएं, कुछ पुराने वक्तों की याद दिलाएं। वो देखो जब हम लोग कॉलेज में जाया करते थे, बस में बैठ के 8A की बस में बैठ के जाते थे। ना होने से कुछ होना बेहतर है मेरे ख्याल से। डील, ओहो बड़ी देर लगाई उन्होंने कहा, गहरी लाइन सोचूं कहीं। 500,000 हो गई तो बहुत बुरी हो गई। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो फिर 21 भी नो। ये कोई जिद की बात थोड़ी है, नहीं लिए तो नहीं लिए, उस वक्त मूड नहीं था, उस वक्त पैसे पड़े थे 75 लाख 50 लाख, अब चले गए। खैर हो गई, खैर हो गई। आपकी कॉल है, डील और नो डील? नो डील, बंद कीजिए डब्बा। ओके, नो डील। और कोई भी एक बैग अब फातिमा खुलवाएंगी, बताइए कौन सा होगा। ओके, नंबर 24। सलमान भाई आप तो कह रहे थे एक्सचेंज होना चाहिए, 24, 25, 26 ऐसा ही कुछ। छोटा नंबर मैं अभी भी, फिर छोटा नंबर अभी भी आप कह रहे हैं 3 खुलवा दें। बिल्कुल लग रहा है 3 खुलवा दें। 9 भी छोटा था, 3 थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल है? Yes. 24 डाउटफुल नहीं है। नंबर 24 प्लीज सलमान भाई, 3 डाउटफुल है, 24 डाउटफुल नहीं है। 3 आपने बताया, 24 फातिमा ने बताया है, समझ रहे ना आप। नंबर 24 प्लीज ओपन इट। क्या बात है, यानी अब है हमारे पास 1,000, 7,50,000 और 60 लाख। क्या लगता है नवीन साहब, क्या है आपके बैग में? आई थिंक 60 लाख। जैसा कि आपको लगा था 75 लाख और 1 करोड़ भी यही है, वैसे ही आपको लग रहा है 60 लाख? सही लग रहा है। चलें देखते हैं बैंकर क्या कहता है, हो सकता है बैंकर को भी लगता हो आपके पास 60 लाख। हेलो, ओके 25 लाख। व्हाट, 25 लाख? 25 लाख रुपए। अगर ये चला गया 60 तो 25 बहुत है, 1,000 से बेहतर है। हाँ, 25 लाख रुपए। सोचें, बोलो बेटा, बोलो बोलो। नो नो, मेरे ख्याल से अमाउंट सर बढ़ाए तो थोड़ा सोचने पे। आई थिंक ना अमाउंट बढ़ा है, थोड़ा बढ़ाए क्योंकि 60 मौजूद है ना। बढ़ाए हमें तो बड़ा लग रहा है। कैसे, देखे ना 60 मौजूद है तो 1,000 भी तो मौजूद है, उसके हिसाब से 3,500 की ऑफर दे दें, 1,000 भी तो है। आपकी लॉजिक पे अगर चले, आप तो 60 लाख सोच रहे हैं, हम तो 1,000 सोच के बैठे, 3,500 की ऑफर दे देते। नसीब चल रहा है इंशाल्लाह। नसीब कैसे, ये कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, जहन में क्यों चल रहा है, ये हमें चलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहा? सारे बड़े अमाउंट चलेंगे हमारे सामने, ये क्रॉलिंग कर रहा है आपके सामने, ये चल रहा है, ऐसा क्यों क्यों मौजूद है ना? I don't know. क्या है? मौजूद है? नसीब चल रहा है? बेस्ट विशर है। बेस्ट वेल विशर है आपके। चलें तो फिर बड़ी टेंशन में नवीद साहब, कोई गाना सुना दें। कसीम जावेद नजर आ रहा है। तेरी ये शौकत आए। ओए बोलो। मनी। साथ आए क्यों मुझे? तेरी आंखों के सपने। रुलाए क्यों मुझे? हो जाऊंगा दीवाना। यूं देखो तो नहीं, आंचल यूं ना गिराओ, तड़पाओ तो नहीं। वाह भाई वाह वाह, क्या गाना यार। बनी बनी बनी, एक वक्त में बनी का राज हुआ करता था पाकिस्तान पॉप इंडस्ट्री पे। वो अपने जब वो रोप पहन के निकलते थे गानों में, बिल्कुल मिथुन दा लगते थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए बड़े जबरदस्त गाने गाते थे बनी, बहुत जबरदस्त गाने गाते थे। तो नवी साहब क्या इरादा है? नो डील। नो डील, अरे गाना सुन के बोले नो डील, गाना सुन के ऐसे ही माहौल बना दिया आपने। सही है, वो तहसीन जावेद ने अभी बनी का गाना सुनाया, देखें ये भी हिस्ट्री है। फिर भी जो है वो आपने, खैर चले आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। एक बैग आपने अब और खुलवाना है, नंबर 22। ठीक है जी दानिश भाई, सलमान भाई ओके, ओके जी नवीद भाई ठीक है, नंबर 22 ठीक, खुलवा दो, खुलवा दो। ओके जी, नंबर 22, नंबर 3 और नंबर 14 रह गए हैं। आपने कहा नंबर 22, हम खुलवाते हैं नंबर 22, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक इन स्टार प्लेयर। ब्रेक पे जाने से पहले नवेद साहब ने कहा था एक बैग खुलवाना है और वो होगा नंबर 22। मैंने इनकी पूरी फैमिली से पूछा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं 22 नहीं खुलवाते। 22 सब ने कहा हाँ जी बिल्कुल, 100 बिस्मिल्ला। तो आइए देखते हैं नंबर 22 में क्या जा रहा है। नंबर 22 प्लीज ओपन। गया नसीब भाई। अरे सर एक मिनट की खामोशी थी। हाँ एक मिनट की हमने खामोशी जो है वो अपनाई थी इस सानिहे पर। अच्छा मैं जब से समझ रहा था नंबर 3 में बड़ा अमाउंट है। तो एक्सचेंज कर लेते आप, कितनी मर्तबा आपसे कहा एक्सचेंज कर लें? चांस पे खेला था, क्या पता नंबर 3 में अभी बड़ा अमाउंट हो। 7.5 लाख और 1,000 तो बाकी है। आप टेंशन ना लें, बैंकर की ऑफर हम अभी भी आपको देंगे। अमाउंट कितना सर बचा है? 1,000 और 7.5 लाख। अब 2-4 लाख की ऑफर आएगी। है? डिपेंड करता है, देख लेते हैं क्या होगा। हेलो। ओके। 69,500। 69,000? आपको लग रहा था 2-3 लाख की ऑफर आएगी। सर ये कौन सी ऑफर है? भाई 1,000 रुपए भी तो बाकी हैं। आप बैग एक्सचेंज ही नहीं कर रहे, क्या पता आपके फायदे में हो। अब जो अमाउंट रह गया है उसके हिसाब से आपको ऑफर दी जाएगी ना। जब 1 करोड़ थे तो आपको 18 लाख की ऑफर दी थी। नहीं हम सच में एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-3 लाख। कितने पे डील करने का इरादा था आपका, चले बताएं? 4 लाख 5 लाख। 4 लाख की आपको डील ऑफर की जाएगी, आप डील कर लेंगे? अब नहीं करेंगे। हैं? अब नहीं। अब एंड तक खेलेंगे। एंड तक खेलेंगे। नंबर 3 में आपको लग रहा था बड़ा अमाउंट है, क्या करेंगे? खुलवाएंगे। नंबर 3 में आपको लग रहा था बड़ा अमाउंट है, खुलवाएंगे? खुलवाएंगे। अपने बैग के साथ जाएंगे? यस। मशवरा कर लीजिए घर वालों से। खुलवाएं। अब तो रिस्क खेलें। अब रिस्क लेना है, बंद कर दूं? हाँ आपकी मर्जी सर, नो डील। खुलवा लूं? पूछो। खुलवा दे। कहाँ कितने लाखों की बात हो रही थी। 38 लाख तक हम गए थे सलमान भाई, याद है आपको वो दिन? बिल्कुल। 38 लाख बोला था ले लें। सलमान भाई तो पुराने गानों में डूबे हुए थे। कौन से पुराने गाने? बनी। अरे कोई और भी आता है, चलो वो भी सुना दे। एक और हो जाए। नवेद भाई साथ गाएंगे आपके, माइक लगा हुआ है, सुना दे कोई। बनी का ही गाना सुना दे, हम सारे मिलके गाएंगे। अभी बिल्कुल याद नहीं है जो याद हो। अरे यार कुछ सुनाए ना, चलिए कुछ और सुना देना। तुम हो जवा मेरी जान जहां, बोले सुनाए। ये नवेद भाई को आता है, सुना है। नहीं, अरे अरे भाई माहौल जरा खुशगवार होना चाहिए। चलें अब इतना नुकसान हो गया तो हो गया, कम से कम लम्हे तो बटोर लें। ये नहीं आके सुना दे, फिर ये भी खुल जाएगा। सुना दे। दिल तो आपका टूट गया ना सर, अब आपके गमगीन गाने आप ही के पास होंगे। कौन सुना रहा है? कोई भी नहीं सुना रहा। फातिमा आप ही सुना दे। नहीं, शहजाद राय का गाना सुना दे आप। उसी की आवाज में तेरा कंगना जब खंग के। इनको आता है, मुझे लग रहा है इनसे सुन ले। शहजाद राय की आवाज में सुनाइएगा। लेकिन मुझे नहीं आता। उसकी आवाज में नहीं आता या गाना नहीं आता? गाना नहीं आता। अच्छा गाना नहीं आता, गाना किसको नहीं आता यार? ऐसे आपको आता तो आप सुनाए। है? आप सुना दे। और मेरे, मैं कहाँ गा सकता, मैं गाना सुना दूंगा लेकिन फिर इनके बैग में 1,000 रुपए निकल आएंगे। आप कहे नवेद भाई तो सुना दूं। सुना दे सर। 1,000 रुपए निकलाए तो कोई मसला नहीं। नहीं हम आपका नुकसान नहीं करना चाहेंगे, हम सिर्फ सलमान भाई से सुनना चाह रहे थे लेकिन सलमान भाई ने सुनाया नहीं। फिर अब एनीवेज माहौल बहुत टेंस है, टेंस चल रहा है। 1,000 रुपए बात आ गई तो बहुत बुरी हो जाएगी हमारे साथ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कीजिएगा? नंबर 14 के साथ ही जाएंगे। नंबर 14। नंबर 3 प्लीज। ऑफर है। हेलो। ओके। इससे पहले आपको ऑफर दी गई थी 69,500 की। अब आपके लिए ऑफर है पूरे 70,000 लें।
हमारा पूरा मूड था भाई कि हमें सोच सकते हैं ए, दो तीन लाख आने वाले हैं। सलमान भाई ने कहा है कि सोच सकते हैं। सर 500 के पीछे बिक गए यार, एकदम देखो ना लग अपना गिरा है। हाँ लो और लिख लो। देखिए सलमान भाई की बात जो है वो पत्थर पे लकीर है, बल्कि मैं तो कहूंगा लकीर पे पत्थर है, और इतना बड़ा पत्थर है कोई हटा भी नहीं पा रहा। बहुत है अभी जितने हैं ना मेरे ख्याल से, अब बाकी ना होने से बेहतर है। मैं बात कर रहा हूं दानिश भाई के रेस्टोरेंट में जाके खर्च हो जाएंगे पैसे तो। अच्छी पार्टी तो हो जाएगी घर पे। आप पार्टी हो जाएगी, बस सारे घर वालों को लेके जाएं। आप डिनर दे देना उनको, ठीक है? 70,000 का डिनर। अरे साहब मैं आपको देता हूँ मशवरा, जीते हैं सर, आखिरी वक्त तक आप लड़े है जी। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। खेलिए एंड तक के। मुझे लगा था गिफ्ट में कोई मशवरा आने लगे। गिफ्ट में तो अब सिर्फ गुलाब के फूल ही आएंगे और क्या आएगा। एक बुकेट आ जाएगा। हाँ हाँ बस वो एक ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। उसमें भी वो अंग्रेजी वाले फूल नहीं लगे, वो लिली शिली जो होता है ना वो नहीं लगेगा। हाँ लोकल लगे, गेंडे के फूल लग जाएंगे और गुलाब के लग जाएंगे वो वाले बस। अच्छा भी इतना भी दिल बुरा ना करें आप। नहीं तो 1,000 रुपए में आपको क्या लगता है वो लिली लगा के देगा कोई? कौन लगा? 1,250 रुपए का एक लिली का पौधा है। नहीं हो सकता है कि मुझे ना 14 फरवरी को लूटे। अच्छा और कहाँ दिए बेगम भाई, हमारी एनिवर्सरी भी आती है ना। और क्या नंबर थ्री? अच्छा मतलब आपकी एनिवर्सरी भी और वैलेंटाइन डे। उन्होंने वैलेंटाइन डे बाद में रखा, पहले हमने फैसला किया था हम शादी इसी तारीख को करेंगे। बड़े स्मार्ट है आप। फिर सेंट वैलेंटाइन ने डिसाइड किया कि हम वैलेंटाइन डे इस दिन रखेंगे। खर्चा कम होगा, खर्चा बचाएंगे। नहीं भाई गुलाब के फूल बहुत महंगे मिलते हैं, हमें तो बाद में पता चला, उसी दिन सबसे ज्यादा गुलाब के फूल खरीदे जाते हैं जी। नो डील, नो डील, बंद कीजिए। नंबर थ्री खोलिए, देखते हैं नंबर थ्री में क्या जा रहा है। मुझे लग रहा है भाई साहब ये आपके बुके के पैसे आपको मैं यहां से दे रहा हूं। नंबर थ्री खोलिए और ये आ गया आपका तोहफा, 1,000 रुपए वहां है, 7,500 रुपए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। एक छोटी सी ट्रिप, अब क्या प्लान है गिफ्ट के बारे में तो बताएं। है ना ऐसे नहीं जाने देंगे हम। हाँ क्या देंगे? अब गिफ्ट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया मतलब ये क्या हुआ? तो भाभी देख रही है आप ये तो वही वाला सीन हो गया। पेंसिल बोलो भाई, मेहरान देगा है? मेहरान गाड़ी देगा। मेहरान हैरी हो सकता है, जिसके नाम में ही हैरान है वो गाड़ी देगी। क्या वाइफ को ऑटो चलाने आती है ना, तो इसलिए ऑटोमेटिक गाड़ी 7.5 लाख में आएगी। हाँ कोई बात नहीं है, 7.5 लाख रुपए आप पूरे ही जो है भाभी को दे दीजिएगा। अपनी तरफ से एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, 7.5 लाख रुपए आप ले जा रहे हैं। बहुत सारी तालियों में नवेद साहब को अलविदा कीजिएगा। फातिमा थैंक यू सो मच, आपका जो है वो अभी जेम्स बॉन्ड के मिशन का भी टाइम हो गया होगा तो आपसे विदा लेते हैं। पाकिस्तान स्टार में भी आपने जो है वो वहां पर जाकर भी आपको शो करना होता है, एक दिन में दो तो शोज करवाते हैं, अच्छी बात नहीं है ना, कितना जुल्म है। इसे कहते हैं रोजी रोटी हलाल होना, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह देखते हैं अगले एपिसोड में 1 करोड़ रुपए जाता है या नहीं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।